अनंत अमित जी, देखिए आप दावे बड़े कर रहे हैं। मुखर्जी जी कह रहे हैं उपचुनाव हुए, उसमें नतीजे आ गए, जनता ने बता दिया कि कौन स्वीकार्य है कौन नाकार्य है। दूसरी बात, ये जो घोटालों की बात हो रही है, ये पूर्ववर्ती सरकारों में जो घोटाला हुआ है उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? ये बड़े आरोप आप पर खुद उल्टा लगा जा रहे हैं। देखिए मित्र, मैं तो इसी बात से अपनी बात स्टार्ट करना चाहूंगा कि जन मुद्दों से इस सरकार को कोई नहीं वास्ता। ये निराधार सरकार है, अराजकता की सरकार है, भूख और आदिवासी विरोधी, दलित विरोधी सरकार है, भ्रष्टाचार की सरकार है, ये पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। मैं दादा को बताना चाहता हूं। दादा, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का सहयोग क्या रहा है, आपको ये पता ही होगा। आप दुनिया को कहते हैं कि झारखंड को किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारत सरकार में सरकार बनी थी, उसके बाद एक सेकंड, 10 सेकंड में बोल रहे थे आप, ऐसा मत बोलिए, हंसेंगे लोग। उज्जवल मिश्रा जी कह रहे थे, उज्जवल मिश्रा जी अपने कांग्रेस की बात कह रहे थे, तो मैं उज्जवल मिश्रा जी आपको ये बताना चाहता हूँ इंडिया वॉइस के माध्यम से कि पूरी दुनिया जानती है कि भ्रष्टाचार की जननी अगर कोई देश में है तो वो कांग्रेस पार्टी है। और आपके आपके सहायता से जो सरकार चल रही है, ये विगत 3 वर्षों की भ्रष्टाचार की सरकार है। आज जो हम कार्यक्रम लेकर जिला और प्रखंड पे सारे जगहों पूरे प्रदेश में अपना कार्यक्रम चला रहे हैं, तो हमारे कार्यक्रम से मंडल से जिला से सारे कार्यकर्ता, पूरी प्रदेश की जनता हमारे साथ है, और हम वहां के अपने प्रदेश की सरकार को आईना दिखाना चाहते हैं कि जनता किस तरीके से आपसे त्रस्त है। आज जिस तरीकों से सड़कों पे, आपने भी देखा होगा रांची में, तमाम शहर में हम सड़क पे निकले हैं, 3 दिन का कार्यक्रम है। कह रहे हैं दरअसल अब सड़क पर अब इसलिए निकले हैं क्योंकि सरकार को अस्थिर करना चाह रहे हैं, इसके पहले तो आपने कभी सड़क पे उतरे नहीं जनता के हित की लड़ाई लड़ने के लिए। मुखर्जी जी कह रहे हैं, अभी आपके आपसे पहले कह रहे थे आप मुखर्जी दादा, हमारे बड़े भाई है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को पूरा देश जानता है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी जनता पार्टी रही है बाहर, और हमेशा अपने अपने लोगों के सहायता के लिए किया है।